साथियों, जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान उल जोहार, जय संविधान और सतरंगी सलाम। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात है बिल्किस बानो के कारण से हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बात कर रहे हैं। जब मुझे राहुल खांडेकर जी ने बताया कि आज बहुजन संघटक के लिए आप कौन से विषय पर बोलोगी, तो मैंने कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में है भी और मैंने कुछ चैनल पे बात भी की है, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि ये क्या एजेंडा है। ये एजेंडा क्या है कि बिल्किस बानो, इंद्र कुमार मेघवाल और उसी के 3 दिन पहले हमारे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मनुस्मृति को सराहते हुए आया हुआ स्टेटमेंट, ये जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि ये तीनों घटनाएं 15 अगस्त के आसपास कैसे हुई। अब ये एजेंडा क्या होता है, पहले ये सब कुछ विषय को समझने के पहले ही मैं आपसे ये बात करती हूँ, इसलिए कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ये समझना बहुत जरूरी है कि 6 दिसंबर जो बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन करके हम मानते हैं और कितने सारे लोग जब निकलते हैं और जब चैत्य भूमि पर आते हैं, जब दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं अक्टूबर में, ये सारी सारे दिनों का इतिहास बदलने की बात जो है, ये सारे दिनों का इतिहास बदलने की बात सरकार ने की है, जो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लोग कम बोलते हैं। राजसत्ता इस तरीके के गेम क्यों खेल रही है और राज्यसत्ता क्या मिटाने की कोशिश कर रही है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस सरकार की मंशा जो है वो अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो इस सरकार को हम बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि बच्चों के पहली से लेकर 10वीं तक की किताबें हो, 10वीं तक, 10वीं के बाद की 12वीं तक की किताबें हो, जहां सोशल साइंसेस बरकरार है या फिर पॉलिटिकल साइंस के तहत हम लोग नागरिक शास्त्र जो पढ़ाते हैं वो बरकरार है, या फिर बच्चों को जो पूरे देश के स्वतंत्रता का इतिहास सिखाया जाता है वो इतिहास है, ये प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक और उच्च माध्यमिक तक जो विषय है उनके तहत वो बच्चों के दिमाग में कुछ डालना चाहते हैं। वो क्या डालना चाहते हैं, तो वो 2 अक्टूबर को भी महात्मा गांधी के जन्मदिन की बात होगी, लेकिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत की बात नहीं होगी, तो गोडसे के गरिमा की बात की जाएगी। इस तरीके से वो इतिहास बदलने में लगे हैं। एक महामानव के महापरिनिर्वाण के दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, ये समझना बहुत जरूरी है कि 15 अगस्त की ये जो 3 घटनाएं 15 अगस्त के आसपास, उन घटनाओं के तहत एक तरफ बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, जिन्होंने कभी आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने कभी आजादी के लिए जान नहीं दी, ऐसे पक्ष के लोग, इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि जिन्होंने माफीनामे भी मांगे हैं। बचपन में मैं नागपुर से आती हूँ, नागपुर के गढ़ में मेरी स्कूल भी पायोनियर जो थे वो आरएसएस के ही लोग थे, और मैं जो बचपन में पली पड़ी हूँ वो आजू बाजू में मेरे साथ, मैंने सावरकर, गोड़वलकर, हेडगेवार, इन्हीं लोगों के छाया तले जो जो ट्रिब्यूट थी उसी में मेरी पढ़ाई होना वाजिब था। तब मेरे माँ पिताजी को नहीं मालूम था कि कोई सेक्युलर स्कूल कहाँ है, नजदीक के किसी भी स्कूल में हमको डाल दिया गया था, तो नजदीक यानी फिर भी वो 5 किलोमीटर दूर पर होती थी, गांव के जैसा था उस समय नागपुर, और 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर, या जब साइकिल आई 9वीं में 8वीं 9वीं में जब मैं थी तब चलकर जाते थे। तो इन स्कूलों का चरित्र जो है उसके संस्थापक यही लोग थे। तो मुझे, मैं बताती हूँ, बचपन में मैंने सावरकर पूरे पढ़ डाले। अब उस समय का वो जो बात है वो मेरे दिमाग में बहुत बैठी हुई है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सावरकर पढ़ डाले थे, तो उसके कारण उनकी विसंगतियां और जो आज जो उसके बीच की सारी जो व्यंग है और जो उन्होंने माफीनामे मांगे और हमारे सामने जो झूठा चरित्र रखा गया, वो सारी चीजें आज मुझे पता चलती है, क्योंकि मैंने सारी किताबें उनकी पढ़ डाली थी और मेरे सामने जो सावरकर का चरित्र रखा गया था वो स्वातंत्र वीर के हैसियत था। गांधी जी का जो कत्ल किया गया, जो खून किया गया, उसके बाद भी गांधी जी के बारे में, हालांकि वर्धा बहुत नजदीक था,
विनोबा भावे वहां थे, सेवाग्राम वहां गांधी जी ने स्थापित किया हुआ था। इसके बावजूद भी गांधी जी के सेवाग्राम के और गांधी जी के सारे असर हमारे पास पहुंचने के पहले हमारे पास सावरकर पहुंच गए थे। अब तभी भी ऐसा था, लेकिन मैं अभी भी बताती हूँ कि बचपन में भी आप कितना भी पढ़ाओ, लेकिन युवा अवस्था ऐसे होती है कि वो हमें सचेत करती है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे और आप पूरे वैश्विक साहित्य का सामना करोगे, जो मुझे मिला, जो मुझे 10वीं के बाद 12वीं के बाद मुझे मिला, मैं उस समय 12वीं नहीं थी, 11वीं थी, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता था, तो आपकी भाषा में बताती हूँ कि 12वीं तक जो मैंने पढ़ा था उसको मुझे डी लर्निंग करने का मौका मिला। क्योंकि मैं जब जिस कॉलेज में गई, बिंजाणी महिला महाविद्यालय में गई, फिर मैं एमए के लिए मेरे मैं जब गई मॉरिस कॉलेज में, तब एक पूरा प्रोग्रेसिव वातावरण था। मुझे ग्रेसर पढ़ाते थे, जो कहा जाता है गूढ़ कवि है, लेकिन जिन्होंने उन्होंने पढ़ाते समय मुझे काफी सारी क्रांतिकारक बातें तो पढ़ाई थी। लेकिन मेरी जिंदगी में प्राध्यापक डॉक्टर यशवंत मनोहर मेरे एमए के दूसरे वर्ष में आए, और ये पूरा का पूरा जो था, जो मुझे पढ़ाया गया था, उसके पीछे का कर्म विपाक सिद्धांत क्या है, ये मनुस्मृति कितनी दाहक है, वास्तवता क्या है। और हम हालांकि मेरी जिंदगी में मैंने जातिवाद बहुत सहन किया था, इसलिए जातिवाद के खिलाफ बहुत ही घृणा और बहुत गुस्सा भी था अंदर, वो सब कुछ जब उसको विधायक तौर से दिशा मिली, जब मैंने फुले अंबेडकर पूरी तरीके से पढ़ना शुरू किया, और बाकी भी अन्य लिटरेचर से भी मेरे साथ काफी सारी बातें जुड़ी जो सामायिक तरीके से भारतीय साहित्य था, जैसे रविंद्रनाथ टागोर हो, जैसे शरद चंद्र चटर्जी, इनमें भी काफी सारी बातें मुझे मिलती गई। उसी समय मराठी लिटरेचर होने के कारण अण्णा भाऊ साठे से लेकर उद्धव शेळके तक की बातें हो, और उस समय काफी सारे देशीवाद क्या होगा वगैरह वगैरह, नेमाड़े जैसे लेखक भी हो गए आ गए थे, और कोसला भी आ गया था, तो एक पूरा माहौल बनने लगा था। और मैं नागपुर के एक विद्रोही जो मंच था, परिवर्तनवादी जो सर्कल था, उसमें आ चुकी थी, और 1978 में मैं पूरे विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ गई थी। अब इस विद्यार्थी आंदोलन ने हमने सबसे बड़ा जो हमें खतरा लगा, वो सबसे बड़ा खतरा ये था, केवल आणीबाणी के कारण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का ही नहीं खतरा लग रहा था, खतरा लग रहा था आजू बाजू में जिस तरीके का माहौल खड़ा हो रहा था उसके बारे में भी। विषमता निर्मूलन शिविर चल रहे थे डॉक्टर बाबा आढ़ाव के, बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में काम करने लगे थे, हम लोग विज्ञान नाम जैसा संगठन बनाने लगे थे। ये मेरी शादी के पहले की बात है, 1980 तक, 1958 से 1980 यानी 22 साल की उम्र तक, जो मैंने करीबन 18 साल से 22 साल तक, 4 साल में जो बातें मैंने सीखी, वो बातें मेरे 18 साल तक जिस तरीके का मानस बनाने में लगा था कि पूरा जैसे कि लग रहा था कि सावरकर और गोडसे समर्थनीय मेरा मन तैयार करने की बातें हुई थी। लेकिन ये माइंड बदल सकते हैं, युवावस्था में आप सचेत हो सकते हैं, आप युवावस्था में आप संशोधन शोध कर सकते हैं, शोध करने के बाद, उस अन्वेषण के बाद आपके पास जो जिज्ञासा है, जो आप चिकित्सा करते हो, आपके पास विज्ञान और विवेक अगर है तो उसके आधार पर आप चिकित्सा कर सकते हैं, ये मुझे मिला। और उस चिकित्सा के तहत मैं बहुत आगे निकल कर आई, और मुझे पता चला कि ये सारा ढकोसला था, ये मेरे पूरे समाज को, बहुजन समाज को एक ग्लानी लाने की बात रही, उसको उसी दासता में, उसी गुलामी में रखने की बात हुई। फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, नारायण गुरु, अयंकाली, इसका लिटरेचर ही नहीं, मैं स्त्री आंदोलन में 1975 से ही जुड़ गई, 16 साल की थी तब से, तब ताराबाई शिंदे, डॉक्टर रखमाबाई, बाद में इस तरीके की किताबें मेरे पढ़ने में आई, सीमांत बुआ, मैंने ब्रेटी फ्रीडमन, मैंने हालांकि मैं मराठी माध्यम में थी लेकिन जर्नलिज्म में इंग्लिश माध्यम से मेरा परिचय हुआ, और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एवलिन रीड को पढ़ा, मार्गारेट को पढ़ा, मैंने सीमांत बुआ को पढ़ा, फिर मुझे श्रोजनर ट्रूथ भी मिली, ब्लैक लिटरेचर का मेरा बहुत अलग तरीके से परिचय हुआ, और ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर की एक दूसरे के साथ की पहचान, और दलितों की लड़ाई, और एक विषमता के खिलाफ का उठाव, इस पूरे माहौल में हम लोग कवि, लेखक, पत्रकार, मैं पत्रकार बन चुकी थी उस समय तक, सब लोग इकट्ठा आने लगे, तब हम राजकीय एजेंडा बदलने की बात करने लगे। हमने कहा कि सामाजिक क्रांति
भी इस देश में हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, तो राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति को साथ लिए बगैर इस देश में हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। ये आप देखोगे कि ये 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक एक दौर चला, और 90 के दशक में जब वैश्वीकरण का दौर आया उसके खिलाफ भी लड़ते हुए, धर्मांधता और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए ये 80 के दशक में उभरी जो पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारक कदम उठाया जिसमें ये सारे कानूनों की बात की, संविधान के तहत जो जो मिला है उसको अमल में लाने की बात की, उन हकों की बात की, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमें केवल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है ये कोई मूलभूत जरूरतें नहीं, ये हमारे हक है, नागरिक होने के नाते हक है, समानता, समता, स्वतंत्रता और मैत्र, इन चार और चार मूल्यों के साथ साथ इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी। जो लोग जिस धर्म को मानना चाहते हैं वो अपने घर में माने, और उसी के साथ साथ उन लोगों की विविधता के साथ, उनके भाषाओं के साथ, उनके जिंदगी के साथ, इस देश में जो पूरा संविधान है उस विविधता पर विश्वास रखता है। मेरा छोटा भाई बहन से लेकर मुझसे लेकर सबने जो प्रतिज्ञा ली थी, या संविधान का जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका जो है, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के नागरिक हैं, तो मेरी पूरी जिंदगी में 1980 के बाद आपको दिखेगा मैंने कभी धर्म नहीं लगाया, कभी जाति नहीं लगाई, और केवल भारतीय करके मेरी पहचान है, इस देश में मैं जन्मी हूँ, इस देश की नागरिक हूँ। इसी तरीके से और 82 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसके पीछे कभी ना जात लगी, ना धर्म लगा, ना सरनेम लगा, और मैंने भी सरनेम निकाल लिया, और लता प्रतिभा मधुकर यानी मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरे पिता ने मुझे जन्म लिया, इसलिए मेरी पहचान मेरे माँ और पिता से होती है, इसलिए लता प्रतिभा मधुकर या मेरी बेटी का भी नाम उसके, उसकी माँ मैं हूँ, तो उसकी माँ और उसके पिता के तहत इस तरीके से मेरी बेटी की भी पहचान बचपन से लगाई, और इसके कारण स्कूल में, राशन कार्ड में, पासपोर्ट पे, सभी जगह संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये पहचान बनाने के लिए कानूनी तौर पर संविधान क्या कहता है, संविधान इन सबके लिए सहमत है, वो मुझे हक देता है, मुझे हक देता है कि मैं किस तरीके से नाम धारण करूं, मैं मेरी जाति न लगाऊं, मेरा धर्म मैं न लगाऊं, मेरी पहचान एक इंसान और एक भारतीय नागरिक के तहत ही इस देश में होगी। इस तरीके से मुझे संविधान एक हक देता है, उस हक के तहत हम सब लोगों ने जो एक बहुत बड़ा माहौल, कोई भी सरकार हो, सरकार को सवाल पूछते हुए, रास्ते पे आते हुए, संविधान में जो कानून थोड़े अधूरे लगे उसमें अमेंडमेंट करते हुए हमारी लड़ाई शुरू थी। लेकिन 2014 के बाद इस तरीके की लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं रही। उसके पहले भी बलात्कार नहीं हुए क्या? बलात्कार हुए। उसके पहले ही 2008 में जब बॉम्बे हाईकोर्ट का निकाल आता है, यानी जो निर्णय आता है बिल्किस बानो के केस में, वो बिल्किस बानो के केस में, बिल्किस बानो के ऊपर जिन्होंने गोधरा हत्याकांड के बाद गुजरात को जलाने की कोशिश की, गुजरात में मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत भयानक अत्याचार किए, उसमें है बिल्किस बानो। ये बिल्किस बानो के गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने से लेकर 11 लोगों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। आज मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जो लोग पुरुष लोग हैं, वो मेरे साथी के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप मेरा भाषण होने के बाद थोड़े देर बाद जाइए और गैस जला लीजिए और अपनी उंगली रखिए, और उंगली लगा रखने रखकर जलने तक उसको रखिए। आप हूं करेंगे या नहीं करेंगे? आप जलने देंगे क्या आपकी उंगली? अगर मेरी उंगली जलती है तब भी मैं उफ करती हूँ। 11 लोगों ने अगर बलात्कार किया है, उस औरत ने फिर भी हिम्मत रखते हुए लड़ने की जो हिम्मत रखी और उसके साथ जो खड़े हुए, वो 15 अगस्त के कुछ 3-4 महीने पहले उनको अरेस्ट होती है तिस्ता से तलवाड़ को। आज मैंने खास तौर पे सतरंगी सलाम कहा और आखिरी में मैं सबरंगी सलाम कहूंगी, क्योंकि केवल सतरंग नहीं है, हमारे सारे सबरंग है इस देश में, और ये सबरंग नाम का मासिक चलाती रही है तिस्ता सेतलवाड़, और तिस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट किया गया, और तिस्ता सेतलवाड़ के साथ ही जो दो लोग थे गुजरात में जो एक्टिविस्ट थे उनको भी अरेस्ट किया गया, और उनको पहले अरेस्ट कर देखो एजेंडा कैसा है, उनको जब अरेस्ट किया गया उसके बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री स्वतंत्रता को लेकर भाषण दे रहे और बोल रहे कि इस देश की महिलाएं भी आजाद होगी, और उसी समय हाईकोर्ट निर्णय देती है कि बिल्किस बानो के केस में ये जो 11 लोग थे उनका बर्ताव अच्छा था, अब उनके
बाकी की जो सजा है वो हम माफ कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। उसके बाद बीजेपी के एक आमदार जो विधायक है उनका ये आता है, वक्तव्य आता है कि ये ब्राह्मण थे, सुसंस्कारी लोग थे, इसलिए उनको छोड़ा गया। तो सुसंस्कारी बलात्कारी के तौर पे भी सुसंस्कारी है, ये कहते हुए जब वे बाहर आते हैं तब सारी महिलाएं उनको उनकी आरती उतारती है, उनको तिलक लगाती है और उनका सम्मान करती है। ये बात क्या है? और उसके ही 3 या 4 दिन पहले हाईकोर्ट की एक जज प्रतिभा सिंह जी वक्तव्य देती है कि मनुस्मृति ने इस देश में महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। ये जो गुमराह करने वाली बात है, 26 सितंबर को समान, 26 अगस्त को समानता दिवस है, ऐसे करके कुछ लोगों ने पोस्ट डाली। हो सकता है अलग अलग देशों में समानता दिवस को लेकर अलग अलग बातें हैं। हमारे यहाँ समानता दिवस हम मानते हैं, संविधान के तहत हमें समानता मिली, फ्रांस में मानते हैं, फ्रेंच राज्य क्रांति जब हुई उसी समय समानता का मूल्य उनके राज्य में आया। तो हो सकता है कि उस समय काफी सारी जगह पे 26 अगस्त हो तो 26 अगस्त समानता दिवस किया, लेकिन उसको लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पोस्ट किया है, उसको लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पोस्ट आई कि 26 अगस्त के दिन समानता दिन होगा जरूर, लेकिन हमने 1 करोड़ साल पहले ही समानता प्रस्थापित की। अब मुझे बताइए, और कब? जब वेद थे। अब इसमें बहुत मजेदार बात है, जो भी छोटा बच्चा और जो अज्ञानी लोग हैं, जो लोगों ने कभी ना वेद पढ़े हैं ना कभी समझे हैं, ना संविधान पढ़ा है ना नागरिक शास्त्र पढ़ा है, पढ़ाई करते हुए केवल एक रट रट के सारी पढ़ाई करते हुए इंजीनियर होना डॉक्टर होना बहुत आसान है, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का भूगोल, इस देश का इतिहास समझना और ये 12वीं तक हमारा पूरा भेजा पूरा पक्का करना और 12वीं के बाद हमको साइंस में भेज देना, टेक्निकल इसमें भेज देना, ताकि हम सोशल साइंस से कोई लगाव हमको नहीं रहेगा। ज्यादातर बच्चे कॉमर्स में चले जाएंगे, कॉमर्स में केवल अकाउंट्स करते रहो या मैनेजमेंट करते रहो, देश से कोई लेना देना नहीं। और ये लोग जब आएंगे तो अब हमें समझाएंगे कि नहीं, हमने बचपन में पढ़ाई है, मनुस्मृति अच्छी थी और हमें तो पढ़ाया गया है कि आजादी जो थी वो 15 अगस्त को मिली नहीं, 15 अगस्त को तो ये हुआ कि 15 अगस्त को मनुस्मृति को लेकर, यानी देखो ब्राह्मण सुसंस्कारी है उनको छोड़ा गया। 15 अगस्त का इतिहास बदलने की बात हो रही है। इंद्र कुमार मेघवाल जब एक छोटे अपने अपने स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर या अपने स्कूल के मास्टर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, जो गुरु है हमारी टीचर है, हमारे टीचर है, उनके ऊपर बच्चों का सबसे ज्यादा विश्वास होता है, अपने अभिभावक को छोड़कर, यानी अपने माँ पिताजी को या अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भी वो सर भाई कहते हुए, सर मैडम कहते हुए दौड़ते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे गुरु है। उस गुरु ने उसके उसने पानी को हाथ लगाया मटके को और उसको इतना पीटा कि उसका मृत्यु हो जाए। ये घटना 15 अगस्त की है, यही ये घटना इंद्र कुमार मेघवाल वाली घटना, ये घटना कि बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ देने की घटना, और उसके पहले मनुस्मृति महान है और महिलाओं को उसने बहुत अच्छा दर्जा दिया, ये सारे तीनों चीजों का एक दूसरे के साथ संबंध है। एक दूसरे के साथ संबंध ऐसा है कि आप एक तरफ कहते हो कि मनुस्मृति अच्छी है, स्त्रियों को बहुत अच्छा ये मिला है, यानी आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो कि मनुस्मृति के खिलाफ बोलने वाले लोग गलत हैं, यानी मनुस्मृति आपको आजादी देती है ऐसा बोल रहे हो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति कहने वाले मनुस्मृति को आजादी का बिगुल बजाते हुए दिखा रहे हो, जबकि आजादी के बाद 1949 में हमारे हाथ में संविधान आया, उसने हमें आजादी के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, समता और धर्मनिरपेक्षता, ये 4 मूल्य दिए, हमको विवेक दिया, हमको करुणा दिया, करुणा दी, हमको प्रज्ञा दी, ये जो पंचशील है जो हमारे साथ है वो हमारे साथ दिए, हमको सत्य खोजने की हिम्मत दी और हमको अहिंसा दी। तो सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रज्ञा, विवेक, इनके साथ हम जिएंगे, इस तरीके के पंचशील के आधार पर हमारे साथ अशोक चक्र और जो अशोक स्तंभ है वो स्तंभ हमें पूरे बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाओं की भी याद देते हैं, और हम जो अशोक चक्र के जो आरे हैं उसपे पर भी हम लोगों को सारे मूल्य जो है मानवीय मूल्यों को लेकर उन आरों को रखा गया है, और उसके तहत भारत के नागरिक की एक आइडियल यानी एक आदर्श प्रतिमा कैसे हो उसका एक विजन, एक दर्शन इसने दिया हुआ है। उस विजन के तहत वो जो दर्शन है वो दर्शन अहिंसा को मुख्य मानता है, शांति को मुख्य मानता है, विवेक को मुख्य मानता है, प्रज्ञा को मुख्य मानता है, करुणा को मुख्य मानता है, और इसके तहत मनुष्य चलेगा,
मनुष्य की प्रक्रियाएं चलेगी, वो एकदम से तो नहीं बनता है। तो इसके तहत बनने वाला मनुष्य एक सुजान, एक ज्ञान प्राप्त करने वाली व्यक्ति रहेगी, और जब उसको इस तरीके का ज्ञान होगा तब इस देश में जरूरी नहीं है कि सत्ता के अधीन रहेंगे। तो राजसत्ता का चरित्र भी इस पंचशील के तहत तय होगा, लेकिन इन्होंने राजसत्ता का चरित्र 2014 से लेकर पूरा का पूरा एकदम हाथों में लेकर एक ब्राह्मणवादी चरित्र, एक मनुवादी चरित्र, मनुस्मृति और श्रुति के तहत बनाया गया चरित्र बनाया है। आप बताइए कि कब वेद हुए, लेकिन बच्चों को अगर आप बताओगे कि 1 करोड़ साल पहले वेद थे तो हंसी आती है। जब दलित आंदोलन खड़ा हुआ, दलित कवि बाबूराव बागुल कहते हैं कि वेदा आदि पंतु होतास, कौन मनुष्य, कौन कौन था वेदों के पहले भी? तो पहले एक व्यक्ति थे, एक इंसान था या इंसान थी, प्रकृति है। प्रकृति क्या कहती है कि यानी और पूरा हमें जो विज्ञान है या मानववंश शास्त्र जो है वो हमें क्या बताता है, एंथ्रोपोलॉजी, कि मनुष्य का जन्म एक काली काले रंग की माँ से हुआ है। काला रंग आदिम रंग है, तो रंग के साथ भी, वर्ण के साथ भी, वर्णीय के साथ भी, जातियों के साथ भी, धर्म के साथ भी, इस तरीके से सब कुछ लाते 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 हमारे हमें वंश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, मनुष्य मनुष्य में भेद, विकलांग और सक्षमता में भेद, लोगों के बिल्कुल बालों को लेकर भेद, लोगों के शरीर रचना को लेकर भेद, इस तरीके की। हालांकि मनुष्य ने उन्नत होना चाहिए, लेकिन मनुष्य ज्यादा से ज्यादा भेदभाव के तहत एक दूसरे के प्रति एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और एक आत्मग्लानी और एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक उच्चतम वाला भाव निर्माण करना और दूसरे तरफ दूसरे को न्यूनतम वाला भाव देना, इस तरीके के पूरे विचारधारा में लोगों को पूरे विश्व में और उसके लिए बनाने की कोशिश हुई। उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया? उसके लिए राजसत्ता इस्तेमाल की गई, उसके लिए मार्केट इस्तेमाल किया, बाजार सत्ता। कबीरा खड़ा बाजार में जब कहता है कबीर, तब वो इसी को लेकर सवाल पूछता है, ये बाजार किस किस चीजों का बनाया गया? धर्म के आधार पर बाजार। त्योहार होते हैं तब सबसे बड़ा बाजार लगता है, सारी चीजें बिकने को आती है, तो ये बाजार के लिए बनाए गए, यानी हर एक चीज के लिए, धर्म को, जाति को लेकर अर्थशास्त्र बुना गया। अब अर्थशास्त्र की बात क्या है, मार्क्स कहता है कि हमारे सरप्लस पर, यानी श्रमिकों के सरप्लस पर सारी चीजें जो है वो है, महिलाओं के श्रम पर पूरी पितृसत्ता खड़ी है। जो आदिवासी है उनके जंगल जमीन और सारे संसाधनों पर उन्होंने जतन करके, उन्होंने जो श्रम किए हैं उसके ऊपर आज पूरा का पूरा खदान मालिक और सब जो लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो इन्होंने किए हुए श्रम से जो भी अतिरिक्त चीजें भी पैदा हुई है उसी को भी और उनके श्रम का भी निचोड़ करके आज बातें हो रही है। ये केवल आज केवल पूंजीवाद नहीं रह गया है, ये आज साम्राज्यवाद बन गया है। और इस साम्राज्यवाद में हमारे यहाँ हम लोग मानते थे, 90 के साल में हम मानते थे कि हमारी लड़ाई मल्टीनेशनल से, फिर भी हम लोग गाना गाते ही थे, सांगा आम्हाला बिरला टाटा टाटा बाटा कुठे आहे हो, सांगा आम्हाला आमच्या धनाचा साठा कुठे आहे हो। तो हमें बिरला टाटा बाटा के खिलाफ हम लड़ते ही थे, लेकिन हम मल्टीनेशनल्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस तरीके से यहाँ आकर जो राज बनाने की कोशिश की थी, फिर एनरॉन हो, बेकतेल हो, ऐसी कंपनियां हो, या फिर ONGC को लेने वाली जो पहले विदेशी कंपनियां यहाँ आने की बात कर रही थी, नाफ्ता गैस हो, इन सारी विदेशी कंपनियों के खिलाफ हमने लड़ना शुरू किया, हमने मोनसेंटो के खिलाफ लड़ना शुरू किया, हमने जेनेटिक मॉडिफाइड बीज जो है उसके खिलाफ लड़ने के लिए सारे किसान रास्ते पर आए। और ये सारी जो लड़ाई है, ये राजसत्ता को हमने पकड़ पकड़ कर बताया कि हमको इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं चाहिए, हमको इस तरीके से उदारीकरण नहीं चाहिए, हमको इस तरीके से वैश्वीकरण नहीं चाहिए, ये LPG मॉडल निकाल लो। इन्होंने केवल LPG मॉडल को ही नहीं, इन्होंने उसके साथ CLPG लाया, कम्युनलिज्म लाया। हर एक जगह पे देखिए, केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में कम्युनलिज्म आज जोर पकड़ रहा है, और ये सारे फासिस्ट फोर्स है। तो एक CLPG ये मॉडल है उनका, फासिज्म यानी फासिस्ट फोर्सेस लाने का, और उसी के साथ साथ एक पूरा सांप्रदायिकवादी यानी इम्पेरियलिज्म भी लाने का, और उसी के साथ साथ इन्होंने एक पूरे जो कैपिटलिज्म को कॉरपोरेट के तहत, तो
उन्होंने कॉरपोरेट्स को लाने का और एलपीजी को भी उसी के साथ जोड़ने का। इसलिए आज देखा जाएगा तो हमारी पूरी जिंदगी को कभी नहीं था इतना, हम हफ्ते में एक बार बाजार में जाते थे, आज हम दिन रात बाजार के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सारी चीजें बाजार से जुड़ी हुई है, हमारा बैंक और हमारे बैंक के साथ बाजार के साथ की सारी चीजें जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से हम लोग जुड़े हुए। जब शेयर मार्केट मेरे समय पे सट्टा बाजार कहा जाता था, आज ये सट्टा और सत्ता इकट्ठा हुई है और सट्टा और सत्ता के तहत हम सबको पीसा जा रहा है। फिर वो डिमोनिटाइजेशन क्यों ना हो, फिर वो आज कभी भी यानी रिजर्व बैंक को उन्होंने गिरवी क्यों ना रखा हो, इन सारी चीजों से और आज इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर हमको फुसलाने के लिए कहा जाता है कि इतने सारे बच्चों को हम अग्निवीर बना देंगे, इतने सारे लोगों को हम बैंकवीर बना देंगे। अरे हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारी गरीबी इतनी है तो जाहिर है कि माँ बाप भी बोलेंगे कि अरे जितने दिन आएंगे 4 साल तो 4 साल, लेकिन 20,000 रुपए कमा के लाना बच्चा, ये 4 साल में ये अग्निवीर क्या करेंगे? 4 साल में अग्निवीर को ये बताया जाएगा ड्रोन कैसे उड़ाए जाते हैं, अग्निवीर को ये बताया जाएगा कि अलग अलग जगह पे सर्विलेंस कैसा रखा जाता है, अग्निवीरों को ये बताया जाएगा कि आपके दुश्मन कौन है। तो हालांकि वो आए होंगे शूद्र दलित अति अति शूद्र वर्ग से आए होंगे, जो ओबीसी होंगे, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, इन्हीं को अग्निवीर बनाने की बात होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सारे उड़कर अलग अलग देशों में भी जाएंगे और ये जो 7 हमारे यहाँ के अमीर लोग हैं और उनके साथ बने हुए जो 70 जो बहुत अमीर लोग हैं वो स्विट्जरलैंड से लेकर चांद या मंगल पर भी चले जाएंगे और स्पेस में भी रहेंगे। लेकिन हमारे साथ की क्या बात है, हम 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ वाली बात ही नहीं कर सकते हैं। आज मैंने एक पूरा वीडियो देखा जो आपने भी देखा होगा शायद, मैंने फेसबुक पे डाला है, उस वीडियो में बताया है और नेपाल के विधानसभा में ये बात उठी, नेपाल के संसद ने भी ये बात उठाई कि भारत ने किस तरीके से लूट मचाई है सरकार ने। और हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानवीय विकास निर्देशांक हमारा गिर चुका है, हम हिंसा के तबके में आते हैं, यहाँ महिलाओं के ऊपर की हिंसा को लेकर पूरे पूरे विश्व में छीतू हो रही है। इतने सारे महिला संगठन आज रास्ते पर आए हैं, इंद्र कुमार मेघवाल की जिस तरीके से हत्या की गई तो लोग पूछ रहे हैं अलग अलग जगह पे कि मानवीय अधिकारों का क्या हुआ, यूएन ने जिस तरीके की गाइडलाइंस दी है वो यूएन के गाइडलाइंस के तहत सरकार क्यों नहीं चल रही है? तो सरकार यूएन को नहीं मान रही है, सरकार आज हम बोल रहे थे, हम 90 में ही बोल रहे थे कि इस देश में माफिया सरकार आने वाली है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरीके से माफिया होगी कि जो हिंसा को सत्ता के तहत मान्यता दे देगी। हम लोगों को लड़ने के लिए न्यायालय था, हम लोगों को लड़ने के लिए माध्यम थे, हम लोग मानते थे कि कुछ भी हो जाए अगर सत्ता ने हमें नहीं कुछ दिया तो सत्ता के खिलाफ हम जा सकते हैं, तो विरोधी पक्ष हो सकता है मजबूत लोकतंत्र में। आज विरोधी पक्ष भी मजबूत नहीं हो सकता है क्योंकि सब जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी चाल हिटलर और मुसोलिनी से भी ज्यादा है, बड़ी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय पश्चिम और पूर्व जर्मनी भी इकट्ठा आने की कोशिश हुई और वो वॉल गिराई गई और एक दूसरे के साथ सौहार्द्रता के साथ सब लोग मिले, लेकिन इस देश में जाति जाति के आधार पर, धर्म धर्म के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, अल्पसंख्यक और इसके आधार पर जिस तरीके से एक विषमतापूर्ण माहौल खड़ा किया गया है उसके खिलाफ लड़ने वालों की जो ताकत थी 2014 तक, उस ताकत को इन्होंने तोड़ने के लिए कभी सुधा भारद्वाज को, कभी नताशा नेरवाल को, कभी दिशा रवि को, कभी उमर कलीन को, कभी इकबाल को, कभी आसिफ इकबाल को हो, कभी उन्होंने बरबरा राव जी को, कभी आनंद तेलतुंबड़े जी को, कभी कबीर कला मंच को, कभी जो सारे लोग भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जो शामिल भी नहीं थे उनको भी ऐसे कर करके उन्होंने पकड़ पकड़ कर लेकर गए। आप देखिए, आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना है, ब्राह्मणों को भी इन्होंने मारा है, तो बात बिल्कुल सही है आपकी। जो ब्राह्मण ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, जो ब्राह्मण कोमल हृदय के हैं, जो ब्राह्मण जाति में जन्म होने के बाद भी जाति व्यवस्था नहीं मानते हैं, जो अंतरजातीय विवाह अंतरधर्मीय विवाह का पुरस्कार करते हैं, या फिर धर्मांधता या अंधश्रद्धा के खिलाफ बात करते हैं, ये जो बातें हैं उसके खिलाफ बात करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का भी कत्ल हुआ है। नरेंद्र दाभोलकर हो, फिर आप देखोगे कि लिंगायत समाज से कलबुर्गी आते थे, लिंगायत समाज की विसंगतियों को लेकर कलबुर्गी ने अपनी बात रखी,
गौरी लंकेश जी जो है, गौरी लंकेश जी अपने अखबार के तहत इन सारी बातों को पहुंचा रही थी और इस सारे विसंवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अब क्या होता है कि जो लोग सवर्ण तबके से आते हैं, जो लोग उच्च वर्णीय तबके से आते हैं, उनको एक एक करके मार दिया, तो फिर उस पूरे वो 3% या 4% लोग होते हैं तो उनको मार दिया, तो उस 3-4% में जो लोग प्रोग्रेसिव बातें करना चाहते हैं, जो लोग बोलना चाहते हैं, उनमें दहशत पैदा हो जाती है। तो उनको पूरे के पूरे कम्युनिटी को मारने की जरूरत नहीं होती, पूरी कम्युनिटी फिर से एक बार इकट्ठा हो जाती है और वो पूरी कम्युनिटी मानती है कि ब्राह्मणों के ऊपर का भाला है नरेंद्र दाभोलकर, तो उसको दंड देना चाहिए। अगर श्रीधर तिलक बोल रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक की पूरी जीवनी कैसी थी और उनमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन था, तो श्रीधर तिलक को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातों को या रधो कर्वे, यानी धोंडो विट्ठल कर्वे का ही बेटा है, लेकिन रधो कर्वे को तकलीफ दी जाती है। हालांकि वो ब्राह्मीण जाति में जन्मे हो, लेकिन फिर भी सुधा भारद्वाज को पकड़ा जाता है, स्टेन स्वामी को पकड़ा जाता है। हालांकि वो फादर होंगे, लेकिन ऐसे फादर को मारने की गुंजाइश बहुत ये लोग रखते हैं, क्योंकि एक एक को टारगेट कर कर मार देना उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जब दलितों के ऊपर बात आती है, जब अल्पसंख्यकों के ऊपर बात आती है, जब बहुजनों के ऊपर बात आती है, जब आदिवासियों के ऊपर बात आती है, तब उनकी झुग्गी झोपड़ियां, उनके जो घर, उनकी उनके बच्चे, उनकी पूरे उनकी उनकी बीबियां, उनकी उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनको हाथ लगाया जाता है, उनके ऊपर बलात्कार किए जाते हैं, उनको पूरे रास्ते पर उनको नग्न कर उनकी उनका अपमान किया जाता है। इस तरीके से एक पूरी अपमानजनक जिंदगी देते हुए एक ऐसी दहशत और ऐसी वहशत फैलाई जाती है कि वो कम्युनिटी अपना सिर ऊंचा न करे। आज क्या हो रहा है? आज संविधान के कारण शिक्षा का अवसर सबको मिला है। आज दिख रहा है कि अरे बहुत ही आसान थी, हमको बोलते थे कि संस्कृत सीखना आसान नहीं है, हमको तो संस्कृत आता है। पहले तो लोगों ने, दलित और बहुजन लोगों ने ये करके दिखा दिया कि हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। फिर शरद पाटिल हो या आह साळुंखे हो, या फिर हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन को, देख लीजिए हम लोग देख सकते हैं कि कुमुद पावड़े जी जैसे हो, रूपा कुलकर्णी ने अभी अभी बौद्ध धर्म लिया है, वो ब्राह्मीण जाति में, तो उनको उनको संस्कृत सीखना उनके लिए ठीक था, लेकिन संस्कृत सीख के यह औरत जब अश्वघोष को लेकर बुद्ध धर्म का स्वीकार करती है और अश्वघोष ने लिखा हुआ बुद्ध चरित्र को सामने लाती है और उसका अनुवाद करती है और थेरी गाथा का, तो इनके नजर में फिर रूपा कुलकर्णी कुलकर्णी नहीं रह जाती है। समझो ये एजेंडा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एजेंडा है कि जो लोग आज अपना प्रगतिशील स्वभाव, प्रगतिशील चरित्र साबित कर चुके हैं, फिर वो अरुणा राय हो या फिर कंचाई दैया हो, या फिर हम देख सकेंगे कि कितने सारे दक्षिण दक्षिण दाक्षायणी की बेटी मीरा वेलुदायन हो, या फिर हम केजी कन्ना बिरन का पूरा पूरा परिवार देखेंगे। इन लोगों ने अपने पूरी जिंदगी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फुले के मूल्य स्थापित करने की कोशिश की, फिर तेलंगाना में हो या लेह लद्दाख में हो, या फिर नागालैंड में हो, मणिपुर में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, या फिर बिहार में हो, या फिर एकदम केरला में हो, ऐसे जहां जहां लोग हैं, छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, हर एक जगह पे ये लड़ाइयां छिड़ी। इन लड़ाइयों ने केवल वैश्वीकरण या फिर जंगल जमीन को लेकर ही बात नहीं की, जिन लड़ाई ने जिन्होंने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई को साथ साथ रखा, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने पर्यावरणवादियों में भी और आंदोलनों में भी फूट डलवाई, इन्होंने स्प्लिट किया। इनको पोलराइजेशन ही केवल नहीं जमता है, इनको स्प्लिट करना जमता है। इसमें भी आंदोलनों का भी ब्राह्मण चरित्र अभी सामने आ रहा है। आंदोलनों में बहुजन नाम लेंगे, लेकिन ब्राह्मण चरित्र बहुत स्पष्ट रूप से है, और इसके कारण ऐसे हो रहा है कि जिन आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, भारू सोनोने करते हैं कि कहते हैं कि वो स्टेज पर हमें ही अपना दुख बता रहे थे, वो हमारी ही हमारा ही दुख बताते हुए स्टेज पर एक नायक के रूप में, नायिका के रूप में खड़े थे, और हम उनके मुंह से हमारे शोषण के बारे में, हमारे बारे में सुन रहे थे। हमारे शोषण के बारे में बताने के लिए ये स्टेज हमें कब मिलेगा? उस स्टेज के नायक हम कब कहलाएंगे, जबकि हमारे साथ सिद्धू कान्हू थे, हमारे साथ फूलो जानू थे, हमारे साथ तिलका मांझी थे, हमारे साथ बिरसा मुंडा थे, हमारे साथ जो है यानी इतनी सारी रानी दुर्गावती से लेकर गोंड रानियों से लेकर इतने अलग अलग जगह पे आदिवासी रानियां थी, जिन्होंने एक संपूर्णतः स्वतंत्रता का इतिहास 1857 के पहले और 1857 में भी झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई ने रखा, और झलकारी बाई के कारण
उनके पहली मृत्यु के बाद झांसी की रानी शहीद हुई। तो हौतात में लेना, तो हौतात में लेते हुए जी जो इतिहास लिखा गया है, ग्रामशी कहते हैं वैसे वो केवल पराजितों का इतिहास नहीं लिखा गया, जेतांग का नहीं। हमारे यहाँ जेता होने के बावजूद भी टंट्या भील हो, तिलका मांझी हो, सिद्धू कान्हू हो, फूलो जानो हो, इन सब का इतिहास हमारे पास नहीं आया। अंग्रेजों के खिलाफ की हुई लड़ाई, फिर धनगरों की हो, हमारे पास अहिल्याबाई होलकर का भी इतिहास पूरा नहीं आया। उनको पुण्य श्लोक बताकर बिठाया गया। एक इतना बड़ा इतिहास कि सारे धर्मों के लिए, सारे जातियों के लिए पानी, मंदिर, सब कुछ खुला करने वाली, यानी जिसको हम कहेंगे संत परंपरा के बाद राज्यकर्ता और राज्य शासक कोई कैसे हो, ये बताने की अहिल्याबाई होलकर से लेकर शाहू की जो परंपरा है, वो परंपरा सामाजिक क्रांति के लिए मददगार साबित हुई है। उस परंपरा ने फुले अंबेडकर जैसे लोगों का या नारायण गुरु अयंकाली लोगों को जन्म दिया है। ऐसी जो सामाजिक क्रांति की जो एक राजनीतिक धरोहर थी, वो खोजने की भी अभी हमें जरूरत है। अगर ये राजनीतिक धरोहर थी और राजसत्ता में बदलाव हो सकता था, तो 1975 में भी मुझे लगता है इतनी कर्कश, इतनी बेसुरा, इतनी बेरहम, इतनी खतरनाक, इस तरीके का की गुलामी नहीं थी। आज हम जीएसटी के तहत, यानी जिजिया भी कर केवल धर्म को लेकर रखा गया था, इसलिए ब्राह्मण लोग बहुत चिढ़ते थे, लेकिन वो भी कर माफ कर दिया गया था। लेकिन जिजिया कर को लेकर बातें उठती है, और औरंगजेब को कहा जाता है दुश्मन और खलनायक, लेकिन आज की पूरी सरकार 2014 से लेकर 2022 तक की हमारे नाखून से लेकर, हमारे खून से लेकर सारी चीजों पर टैक्स ले रहा है। हमारा चश्मा पहनने से लेकर, हमारे खाना खाने से लेकर, हमारी दाल चावल से लेकर सब कर ले रहे हैं सबको। हमारे पास अगर आधार कार्ड नहीं, तो हमारी बेटियां, आदिवासी बेटियां 11 साल की दबात करते करते मर जाती है। हमारा बच्चा पानी को नहीं छू सकता है। ये जो मनुस्मृति के तहत आने वाली पूरी, उसको सैंक्शन देते हुए पूरी राजसत्ता का एक निर्माण किया जा रहा है, उसको बदलने के लिए हमको अगुवाई करनी पड़ेगी। बिल्किस बानो, इंद्र कुमार मेघवाल और ये प्रतिभा सिंह का स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं बिल्किस बानो के बारे में, बिल्किस बानो के कारण मैं इन सारी चीजों पर आपके साथ बोल रही हूँ। ये बात है कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, उसका हम पूरा का पूरा निषेध करना है। और बिल्किस बानो, हम तुम्हारे साथ है कहते हुए आज देश में बहुत सारे लोग और ज्यादातर से महिला संगठन सामने आए। अब बलात्कार, ये बात बलात्कारी करने वाले पुरुष है, बलात्कार के खिलाफ लेकिन बोलना है केवल महिलाओं ने। इसमें मैं आप सबको सबको बहुत बिल्कुल मन से, आपके बिल्कुल वो मन की बात आप सुनते हैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अंदर से दिल की बात कह रही हूँ आपको, और कह रही हूँ कि अभी आप लोगों को रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके घर की भी बेटियां हैं, ये आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी बुआ है, आपकी नानी है, दादी है, कुछ भी 80 साल की। अब इसमें आप कौन से चरित्र के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये बलात्कारी, संस्कारी बलात्कारी के साथ, या फिर संस्कारी स्त्री पुरुष सहजीवन वाले फुले अंबेडकर के विचारों के साथ? अब आप उसमें भी आपको अगर चाहिए तो मैं उदाहरण दे दूं कि ब्राह्मणों में भी कम संस्कारी लोग नहीं थे। फिर आप लोकहितवादी ले लीजिए, आगर कर लीजिए, धोंडो विट्ठल करवे लीजिए, नारायण न्यायमूर्ति रानड़े लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले लीजिए, इनके आदर्श आप नहीं रखेंगे। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का आदर्श नहीं रखेंगे। आप वल्लभ भाई पटेल और लोहिया जी का आदर्श नहीं रखेंगे। आप जयप्रकाश नारायण का आदर्श नहीं रखेंगे। आप अगर ये आदर्श रखेंगे, तो फिर आप जरूर कहेंगे कि ये जो पूरा आज मोशा मॉडल है, उस मोशा मॉडल को नकारने के लिए हम लोगों को आज सभी को रास्ते पर आके, हम सब लोगों के जो पूरे पूरा समता, समानता, स्वतंत्रता, मित्र और धर्मनिरपेक्षता, ये जो हमारा मॉडल है, वो मॉडल हम लोगों को सामने लाना पड़ेगा, और उसके तहत हम लोगों को राजनीति में घुसना पड़ेगा। राजनीति में आज तक मैं मानती थी, जैसे कि मैं जेपी आंदोलन से जुड़ी हूँ, तो हमारे हम लोग बोलते थे कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, जो लोग सत्ता में हमारे प्रतिनिधि करके जाएंगे उनको हम वापसी का अधिकार कहते हुए हम कहेंगे कि अगर आप 5 साल आपको दिए हैं, अगर 5 साल में भी 1 साल भी आप काम नहीं कर पाए, तो हम दूसरे साल आपको वापस बुलाएंगे। आज लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का ही नहीं, न्यायतंत्र का नहीं, माध्यमों का नहीं, किसी भी तरीके से लोकतंत्र जीवित नहीं रखते हुए संसद, और इसकी तो आज जो गरिमा है,
जो हमारे मन में जो एक पूरी इज्जत थी, वो इज्जत भी दांव पर लगा दी है इन सारे सरकारों ने। तो हमको अगर लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र बचाने के लिए हमें राजनीति में सहकार करना पड़ेगा, हमें राजनीति में जाना पड़ेगा। हमको राजनीति में जाते हुए मेरा कहना यह है कि जितने युवा यंग बच्चे हैं उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, पॉलिटिकल पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना आया तो हमारे पास दवाइयां क्यों नहीं थी, कौन सी दवाइयां चाहिए, इस तरीके के हमें स्वास्थ्य मंत्री चाहिए, हमें इस तरीके के गृह मंत्री चाहिए कि हम निरपराधों को, 82% निरपराध आज जेल में सड़ रहे हैं, उनको हम निरपराध लोगों को मुक्त करें और अपराधियों को सजा दे, और उनको इस तरीके से जो अपराधी है, जघन्य अपराधी है, जो बलात्कार वगैरह जैसे केस में उनके गुनाह साबित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए, ना कि निरपराधों को। इसको लेकर हमारे गृह मंत्रियों की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहिए, उन्होंने लॉ पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चे तैयार होने चाहिए, उन्होंने संविधान पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कितने सारे विषय हैं शिक्षा के विषय में। हम लोगों ने पूरा, जिस तरीके से हमने शिक्षा के मॉडल बनाए, शिक्षा के अधिकार को लेकर बात की, आज राइट टू एजुकेशन को लेकर जो जो चीजें इस देश में उभरी उसकी पूरी पढ़ाई करते हुए आना चाहिए। सूचना के अधिकार को लेकर जिस तरीके का आंदोलन हुआ, और हर एक बच्चा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने साथ जो हो रहा है उसको जानने का अधिकार, उनकी जमीन पर कौन जा रहा है, उनके जमीन पर कौन कब्जा कर रहा है, उनके सात बारह पर किसने कब्जा किया, ये जानने का अधिकार जो था, ये सारी चीजें आज समझना बहुत जरूरी है। वो समझाने के लिए मैं बताती हूँ कि जिन्होंने 80 के साल से लेकर आज तक, मेरे जैसे लोगों ने 40 साल तक अपना पूरा जीवन सामाजिक आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलनों में दिया, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, या बहुत सारे कलेक्टर के लेवल तक जिन्होंने जाकर अपनी कलेक्टरी छोड़ी, अरुणा रॉय वगैरह जैसे लोग हो, ये सारे लोग हो, या भंवर मेघवंशी, या हम कहेंगे कि कंचा इलैया सर के, जिन्होंने कहा कि कंचा इलैया जैसे, जिन्होंने कहा कि व्हाई आई एम नॉट हिंदू, या गेल ओम्वेट जिन्होंने एक सामाजिक क्रांति का पूरा सरोकार रखते हुए विदेश से आने के बाद भी इस देश की नागरिक के तहत जिन्होंने एक पूरा अपना सर्वस्व दे दिया, अपना पूरा व्यक्तित्व दे दिया, उन्होंने हमारे सामने जिस तरीके से एक पूरे वहां के वैश्वीकरण के दौर पे चलने वाले जॉन लिनॉन के गीतों को लेकर, पॉल रॉबसन के गीतों को लेकर यहाँ आई, और यहाँ के अन्ना भाऊ साठे के गीतों से लेकर, दया पवार के गीतों से लेकर, इस देश के महिला आंदोलनों के गीतों को लेकर उन्होंने अपनाया, रोजालिंड ओहैनलन हो या फिर एलिनोर जूलियट हो, हमारे यहाँ के डॉक्टर भारत पाटणकर हो या फिर अरुंधति रॉय हो, ये सब लोग जो एक पूरे पर्यावरण की बात कहते हैं। हम एक जमाने में ऐसे थे कि हम तस्लीमा नसरीन को यहाँ हमने आधार दिया था, लेकिन हम एम एफ हुसैन को यहाँ से निकाल दिए। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हम कहाँ तक आगे लेकर जा सकते हैं। सलमान रश्दी को जिस तरीके से एक पूरे धर्मांध ताकतों ने जिस तरीके से मारा, पीटा, कुचलने की कोशिश की, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं, और ये उसी दौरान हो रहा था। तो ये पूरे वैश्विक तौर पर जो फांसीवाद का दौर चल रहा है, ये जो वैश्विक तौर पर जो धर्मांधता का दौर चल रहा है, ये जो वैश्विक तौर पर पूरे के पूरे इंसानों को श्रमिक बनाने का और उनको गरीब बनाने का दौर चल रहा है, उनके हाथों से सारे संसाधन छीन लेने का दौर चल रहा है, उसके खिलाफ अगर खड़ा रहना है तो आज राजसत्ता में पलटना, राजसत्ता को पलट कर राजसत्ता में आना, और इस पूरे पूरे जो ढकोसला वाला जो पूरा डिजाइन है, मनुस्मृति पर आधारित, जो विषमता पर आधारित डिजाइन है, उसको फिर से तोड़ने की जरूरत है। नहीं तो सुनिए, जो बुद्ध के दौर में, वर्धमान महावीर के दौर में चला था, पाली, प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी विकसित हो रही थी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य विकसित हो रहा था, एक बहुत बड़ी संपन्नता आ गई थी, लोगों के मन में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खुल गए थे, और ज्ञान प्राप्ति के मार्गों पर ये लोग चलने लगे थे। उस सारे दौर को खत्म करने वाला दमन का दौर आया, श्रुति श्रुति का दौर आया, लेकिन ये श्रुति श्रुति मुगलों के आक्रमण में भी बच नहीं पाई, और लेकिन इन्होंने बहुत अलग तरीके से अपना एक पूरा पहराव लेकर ब्राह्मणवाद को जिंदा रखा, मनुवाद को जिंदा रखा, और उसको अगर हमें ये करना है तो अंग्रेजों के काल में भी उन्होंने पंतोजी बनकर, जिसको
महात्मा फुले कहते हैं सेठ जी भट जी वाला जो संस्कृति है उसको पनपने दिया, और सेठ जी भट जी वाले संस्कृति ने इस देश के दास शूद्रों की गुलामगिरी को निश्चित किया, जो शरद पाटिल कहते हैं। तो दास शूद्रों के गुलामगिरी के खिलाफ गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखते हुए महात्मा फुले जब 1848 में स्कूल खोलते हैं सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिबा फुले, तब एक क्रांति क्रांति ज्योति का जन्म होता है, वो हमारे लिए शिक्षा दिन होगा। और जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 को चौदार तालाब का सत्याग्रह भी होता है और मनुस्मृति का दहन करते हैं, वो हमारे लिए भारतीय स्त्रियों का स्त्री मुक्ति दिन है। आज हमें फिर से डिक्लेयर करना होगा, जब बिल्किस बानो के हथियारे और यानी बिल्किस बानो के साथ जो लोग थे उनके हथियारे, बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार करने वाले ये जो 11 लोग हैं उनको छोड़ने की बात होती है, तब मनुस्मृति जिंदा रखने की बात होती है, पुष्यमित्र शृंग की जिंदा रखने की बात होती है, परशुराम ने अपने माँ का कत्ल किया था उस संस्कृति को जिंदा रखने की बात होती है। सोचिए कि ये फिर से हो रहा है, इसको हम ही रोक सकते हैं। हम बहुत ज्यादा है संख्या में, हम 82 से 85% है, और हो सकता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में से क्षत्रिय वैश्य भी हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारी संख्या 97% हो सकती है, 97%, 97%, 3% ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद, फासिस्ट जो ताकतें हैं, धर्मांध ताकतें हैं, उनको नकार नहीं सकती है क्या? हम अब राज्य सत्ता में फिर से नहीं आ सकते हैं क्या? हम जब अगर राज्य सत्ता में आए तो हम शिक्षा सत्ता में आएंगे, अगर हम शिक्षा सत्ता में आएंगे तो हम सांस्कृतिक सत्ता में आएंगे, और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति अगर करनी है तो राज्य सत्ता के तहत भी क्रांति करनी पड़ेगी और सामाजिक सांस्कृतिक। इस बार की राज्य सत्ता की क्रांति ये ब्रिटिशों के खिलाफ की नहीं है, ये क्रांति ब्रिटिशों ने फैलाए हुए गुलामी के खिलाफ की नहीं है, ये क्रांति आज सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी को बनाए रखने के लिए राज्य सत्ता को लेकर, हालांकि ब्राह्मणों को राज्य में राज्य सत्ता करने की जरूरत नहीं है, उनके उनको केवल ज्ञान सत्ता का अधिकार था, अगर जातिवाद के आधार पर ही जाएंगे तो उनको केवल ज्ञान का अधिकार था, तो फिर उन्होंने क्यों जाकर राज्य सत्ता अपनाई? राज्य सत्ता इसलिए अपनाई ताकि राज्य सत्ता के तहत ज्ञान सत्ता वो आजकल अपना सकते हैं। लोकतंत्र को भी उन्होंने बहुत अच्छा सा अभ्यास करके उन्होंने तय किया कि राज्य सत्ता को लेकर ही आज शिक्षा सत्ता में आ सकते हैं, ज्ञान सत्ता पे आ सकते हैं, और इनका आरक्षण खत्म कर सकते हैं। जो लोग सीख रहे हैं बहुत अलग अलग जगह पे जाके, कभी कोलंबिया में जाते हैं, कभी ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, कभी जर्मनी में जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाकर अपना अद्भुत अपना ज्ञान, अपनी सारी चीजें दिखा रहे हैं, वो साइंटिस्ट हो रहे हैं, वो बैंकर्स हो रहे हैं, वो हर एक क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं, वो इतिहास में जा रहे हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो रहे हैं, वो अच्छे से सोशियोलॉजिस्ट हो रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में, ह्यूमैनिटीज में हो या फिर तकनीकी में हो, विज्ञान में हो या सांख्यिकी में हो या फिर डेटा कलेक्शन में हो, कंप्यूटर में हो, सब जगह पे जा रहे हैं। इन सारे लोगों की अगर ताकत उनको निकालनी होगी तो उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि हमको राजसत्ता में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको तो दो सत्यनारायण कथा करके भी सब कुछ, खजूर, खारी, बादाम, सब कुछ मेवा मिल ही रहा था उनको, कभी भी उनकी जिंदगी में उनको मौत नहीं थी, उनके बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत सारा पैसा जमा करके, करोड़ों रुपया जमा करके रखा गया। बात हमारी है, हम 97% लोगों ने अभी समझना चाहिए कि 3% लोगों से हमें कैसे टक्कर देना है। अगर उनके साथ बाकी लोगों को भी जाना है तो 85% तो हम है, हम तो समझे कि हम लोहार है, सुतार है, दर्जी है, हम मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, हमारे अलग अलग तरीके से हमको किसान करके रख दिया गया है, मजदूर करके रख दिया गया है, हम आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, हम वार्ड बॉय है, हम नर्सेस हैं, हम शिक्षक हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर अध्यापक है, हम अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हम सेल्समैन हैं, हम सेल्स वुमेन हैं, हम प्लम्बर हैं, हम जो भी काम हो वो कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि हम घर को अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन हमको एक दिन पता चलता है कि मेरे घर के नीचे की नींव हिल गई और रियल एस्टेट वालों ने मुझे मेरा घर भी नहीं दिया है, और एक दिन कभी भी हम रास्ते पर आ सकते हैं, तो हमको अपनी झुग्गी झोपड़ियां बचानी है। हमारे यहाँ जो विविधता है, हमारे यहाँ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जू है, बहाई है, लिंगायत है, ये अलग अलग धर्म है, इन धर्मों ने कभी ना कभी एक जमाने में ब्राह्मण और मनुवाद से लड़ाई करते हुए, फिर सिख का हो, सिख क्यों आए वो देखा है, देखिए लिंगायत क्यों आए यहाँ, जो बाकी अन्य धर्मों ने, जो बौद्ध धर्मीय जो लोग हैं वो इस तरीके से इनको बहुत ज्यादा भारी क्यों लगने लगे थे, ये अगर समझेंगे तो ये धर्म और धम्म की, यानी धर्म उन्होंने एक
अफीम की गोली के जैसे जैसे मार्क्स कहते हैं वैसे, लेकिन धर्म के खिलाफ धम्म की यानी विचारों की जहां जहां बात हुई है, तत्व ज्ञान की जो बात हुई है, उस तत्व ज्ञान को हराने के लिए इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया है। ये कोई भी बहुत बड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। आप बड़े बड़े कंप्यूटर चला रहे हो, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो, डिकोडिफिकेशन कर रहे हो, बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बूढ़ों से लेकर सबको, स्त्री पुरुषों को लेकर, अलग अलग जेंडर्स को, मैं बता रही हूँ कि ये हमारे हाथ में है। हम लोग बचा सकते हैं, आज भी भारत बचा सकते हैं। आज भी भारत में अगर राजसत्ता में बदलाव करेंगे तो कोई भी किसी भी बिल्किस बानो के ऊपर इस तरीके से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई बलात्कार करे। यहाँ की बिल्किस बानो भी जिंदा रहेगी, यहाँ की मथुरा भी जिंदा रहेगी, यहाँ की भवरी देवी जिंदा रहेगी। अगर किसी ने इस तरीके से जात पितृसत्ता और इसका लेकर एक बहुत अर्क डालते हुए एक अमानुषता का, एक बर्बरता का अगर उदाहरण पैदा किया है, तो उस उदाहरण को मिटाने के लिए जो इंसानियत लगती है वो हम सब में है। हमारा एकदम समय का नारा था कि प्रेम से कहो हम इंसान है, तो आज जरूरी है कि प्रेम से कहो हम इंसान है कहते कहते कि हम सब बिल्किस बानो है, हम सब निर्भया है, हम सब सुरेखा भूत मांगे है, हम सब मथुरा है, हम सब भवरी है। तो आज हम सबको, छोटे बच्चे लड़कों के ऊपर भी बलात्कार होते हैं, आपको पता होगा। तो ये सारे लोग भी, बहुत सारे जो हम जिनको कहेंगे, हालांकि उसको तृतीय पंथी मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये एक पहला दूसरा तीसरा लिंग इस तरीके से किसने किया, इस तरीके से भेदभाव में विश्वास नहीं रखना चाहिए। केवल आपकी समझ के लिए बता रही हूँ। या फिर किसी का काला रंग है, किसी का बहुत ज्यादा गोरा रंग है, किसी को किसी का कैसा रंग है इसको लेकर, या कोई आदिवासी है इसलिए वो तो हमारे लिए बस, ये लड़कियां हमारे लिए आसानी से मिल जाएगी, जैसे जंगल के फल खा लेंगे, जैसे जंगल की लकड़ी खा लेंगे, जैसे जंगल की नदी को लूटेंगे, जैसे कि तालाब को लूटेंगे, झरनों को लूटेंगे। हम ये पूरी मानसिकता जो है ये ब्राह्मण संस्कारी मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता। अगर ब्राह्मणवाद इसको संस्कारित कहता है तो ये संस्कार नहीं, कुसंस्कार है, ये विकार है, ये विकृत है। ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होने वाले लोग सामान्य नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर विश्वास न रखते हुए आपको जब इस तरीके से बताते हैं, तब समझ लीजिए कि इनकी विकृति, इनकी अभिव्यक्ति और इनके कल्पना शक्ति का एक उसको लेकर इतना बड़ा आवडंबर मचाते हुए, उस कल्पना शक्ति को 3,000 सालों से वो हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे थे, उसको खारिज करने का समय आ चुका है। और इसलिए राजसत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, शैक्षणिक सत्ता, और उसी के साथ साथ स्त्री पुरुष समानता के लिए पितृसत्ता के खिलाफ समतावादी स्त्री पुरुष सहजीवन वाला जीवन साथ में लाने के लिए, इन सारी सत्ताओं में एक साथ आकर हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं। जब इन सत्ताओं को सामाजिक बदलाव और समानता और समता और स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता और मित्रता के मूल्यों के लिए हम लागू करेंगे, तब शायद हो सकता है किसी सत्ता की ही जरूरत ना पड़े। तो ज्ञान के तरफ जाना, मुक्ति के तरफ अगर जाना है, तो आज के दौर में प्रक्रिया के तहत, मानवीय प्रक्रिया के तहत हमें अगर अंतिम ध्येय तक पहुंचना है, तो आज हमें इस पूरे कुरीति में, कुसंस्कार और विकृति के साथ बनी हुई ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को खारिज करने के लिए राजसत्ता में पूरा का पूरा बदलाव लाना पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा। और उस पर आने के लिए हमें बहुत अच्छे से 2024 में हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन ही होगा, हमारा 15 अगस्त हमारे देश के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ की हुई लड़ाई का एक बिगुल बजाते हुए सामाजिक क्रांति का दिन होगा, मनुस्मृति दहन दिन 25 दिसंबर हमारा भारतीय स्त्री मुक्ति दिन होगा, हमारे लिए 14 अप्रैल बाबा साहेब का जन्मदिन होगा, हमारे लिए 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले किसानों का दिन और गुलामगिरी के खिलाफ चाबुक उठाते हुए एक बहुत बड़े एल्गार का दिन होगा, हमारे लिए पेरियार का दिन होगा, शाहू का दिन होगा जो सामाजिक न्याय का दिन होगा, हमारे लिए बीपी मंडल का दिन होगा, हमारे लिए ओबीसी आरक्षण का दिन होगा। इस तरीके से हमारे जो दिन हम कह रहे हैं, हम बलिराजा का महोत्सव करना चाहते हैं, हम इस देश में बुद्ध की नागवंशीय जो संस्कृति है उसको फिर से जिंदा रखने की बात करते हैं। इस लोक संस्कृति को अगर फिर से लाना होगा तो लोगों को लोक संस्कृति को जिंदा रखना है अगर, और ये जो उनका ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है उसके खिलाफ अगर बहुजन हिंदुत्व को लाना है, तो बहुजन हिंदुत्व के तहत जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने खंडोबा के बारे में लिखा,
जो बहुजन हिंदुत्व के तहत जो आदिवासियों को हिंदू या तो फिर मुस्लिम या तो क्रिश्चियन ऐसे करने की कोशिश करके करके अगर आदिवासियों को आप धर्म देने की बात करेंगे तो आदिवासियों का धर्म नहीं था। तो आदिवासियों का धर्म क्या था? प्रकृति धर्म था। लेकिन उनके जो प्रकृति के तहत जो देवताएं हैं उन देवताओं का अगर आधार करेंगे तो वो देवताएं बहुत अलग थी। इस देश में जो देवताएं थी, इस देश में अगर औरतें अगर देवता दिखाई देंगे तो आदमी कभी भी सीमा पे रक्षण करने वाले आदमी नहीं थे। सीमा पे रक्षण करने वाली देवियां थी, महिलाएं थी। तो इस देश में अगर महिलाएं शूरवीर थी तो उन महिलाओं को रोने वाली गुड़िया कब बनाया गया? ये हम हमारे जो गाने हैं हम कहते हैं निडर आजाद हो जाएंगे, अब हम सिसक सिसक के ना रोएंगे। तो बिल्किस बानो सिसक सिसक के नहीं रोई, वो बलात्कारियों के सामने उसने शरण नहीं ली, उसने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी। अगर आपको ब्राह्मणों को संस्कारी कहते हो तो बलात्कारी ब्राह्मणों को आप संस्कारी कहते हो और संजीव भट्ट को अंदर रखते हो, वरवरा राव को अंदर रखते हो, आप सुधा भारद्वाज को अंदर रखते हो, नरेंद्र दाभोलकर को मार देते हो, महात्मा गांधी को मार देते हो, तब आपको ब्राह्मण वैश्य तब उनके उनकी जातियां आपको नहीं दिखती है, क्योंकि वे करुणा के साथ मैत्र के साथ लोगों के साथ खड़े हुए और वो अपने विवेक और प्रज्ञा को जगाते हुए बुद्धिमंत होकर सब लोगों को समान ज्ञान का मार्ग हो इसलिए तैयार हुए। पानसरे जी को इसलिए ही मारा गया कि उन्होंने हमको एक बहुत बड़ी नजर दी। वो नजर ये थी कि शिवाजी कौन था ये समझो। हमारे कितने सारे मराठा बंधु भगिनी रास्ते पर आकर मराठा लाख मराठा कहते गए। उन्होंने एक छोटी लड़की के ऊपर हुए बलात्कार को लेकर बात की, लेकिन उन्होंने SC ST एट्रोसिटी एक्ट निकाल देने की बात की। आज बताइए कि अगर इस तरीके से निकाला गया तो बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा क्या? आज हमारे बहुत सारे मराठा हो, जाट हो, राजपूत हो, इन सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सभी लोग क्षत्रिय वगैरह नहीं थे, आप सभी लोग शूद्रों में ही आते थे और शूद्रों में आते थे और शूद्रों का राजा शिवाजी था ये फुले लिखते हैं। शूद्रों का राजा कौन था और शिवाजी कैसे था ये गोविंद पानसरे लिखते हैं। इसलिए जब पानसरे का खून होता है तो पानसरे जी ने जो लिखा है वो क्यों खून हुआ है ये समझने के लिए उनकी किताबें पढ़िए। ये किताबें इन्होंने बैन करके रखी है, पढ़िए कि दाभोलकर का खून क्यों हुआ है, तो उनकी किताबें पढ़िए। तो हम लोगों को जागरूक होना है, हम लोगों को अध्ययन करना है, हम लोगों को आगे आकर इस शोध के तहत, इस सत्य खोज के तहत एक नया मार्ग तैयार करना है और वो सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए, राजनीतिक क्रांति और इस लोकतंत्र को बदलने के लिए, आज राज सत्ता में आने के लिए अगुवाई देते हुए मेरे जैसे जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं ऐसे लोगों को आप इस्तेमाल कीजिए। उनके ज्ञान का, अनुभव का, किताबों का, उनके पढ़ाई का, सब कुछ अनुभव लेते हुए। लेकिन आज जरूरत है कि 25 से लेकर 50 तक की पूरी जनरेशन जो है, 85% लोगों में की पूरे के पूरे उन्होंने राजसत्ता ज्ञान काबिज कर लेना चाहिए और पूरे के पूरे जिसको हम कहेंगे जो लोग ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो नौकरशाह कहते थे, वो पूरे नौकरशाही में भी जब तक हमारे विचारों के लोग नहीं घुसेंगे और उनको निकाल कर ही हो सकता है, तो इसको पूरा का पूरा पलटना पड़ेगा। जब तक ये पलटेंगे नहीं, जब तक ये क्रांति नहीं होगी, इस देश में फासिज्म का, फासीवाद का दौर चलता रहेगा और उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लेकिन लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी। अब लड़ने का मौसम है, अब घर में बैठने का नहीं। अगर घर में बैठे भी हो तो आपके कलम से लड़िए, आपके शब्दों से लड़िए, आपके विचारों से लड़िए, आपके कंप्यूटर के जरिए लड़िए, आपके सोशल नेटवर्क के जरिए लड़िए। ऐसा नहीं है जरूरी, हम बेलन से भी लड़े थे, क्योंकि महंगाई के खिलाफ बेलन लेकर महिला यहाँ आई थी, महिलाएं रास्ते पर आई थी। फिर वो मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, मंजू गांधी, प्रमिला दंडवते, इस तरीके से बहुत बड़ा सशक्त महिलाओं का नेतृत्व था। और तब हम लोग सब रास्ते पर आए थे, तब हम पानी के लिए हंडे लेकर सिर पर आए थे। आज तो हमें ना पानी ना ना ये पूरा महंगाई का दौर चल रहा है, अभी हम रास्ते पर नहीं आ रहे, लेकिन रास्ते पर आना पड़ेगा। परसों फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन से लेकर काफी सारे स्त्री संगठन रास्ते पर आई और उन्होंने दिखा दिया। सब लोगों से जब बातें की तब लोग बोलने लगे कि बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए। आम लोगों ने ट्रेन में, रास्तों पर, सब जगह पे सिग्नेचर कैंपेन किया और पूरे देश भर ये चल रहा है और पूरे देश भर लोग कह रहे हैं बिल्किस बानो हम तुम्हारे साथ है, इंद्र कुमार मेघवाल हम तुम्हारे साथ है, प्रतिभा सिंह जी हम आपका निषेध करते हैं कि आपने मनुस्मृति का साथ दिया, एक हाईकोर्ट की न्यायाधीश होते हुए भी आप मान नहीं रहे हो। ये जब हुआ तब एक बहुत अचंभे की बात हुई कि JNU के
वीसी ने स्टेटमेंट दिया कि मनुस्मृति ये महिलाओं के खिलाफ में है, और जेएनयू की जो जो वीसी है वो जब ये बातें कहने लगी और उनको लेकर मीडिया ने ये पहली बार बात रखी, और ये माना जाता था कि अभी तक किसी के तरफ से क्यों नहीं आया, आखिरी में मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक घटना है, पूरे विश्व में बहुत शर्मनाक घटना है कि बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ दिया, यानी बिल्किस बानो के साथ जो लोग थे जिनको मार दिया गया वो हथियारे, और ये जो बलात्कारी है ये सब जो 11 जो लोग हैं इनको छोड़ दिया गया है, ये बहुत शर्मनाक बात है। इस शर्मनाक बात के खिलाफ पूरे देश विदेश में अलग अलग जगह पे भी निदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अभी भी माफी नहीं मांगी है। हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। वो खुद एक महिला है, बीजेपी में इतनी सारी महिलाएं बलात्कार को लेकर बहुत लंबी लंबी बातें करती रही है, लेकिन इनमें से एक का भी मुंह नहीं खुला है, ना ही इनमें से जो आदमियों ने मुंह खुला है उन्होंने ये कहा है कि ये संस्कारित ब्राह्मण थे। इन्होंने रोहित वेमुला के जगह समय भी यही दिखा दिया था अपना चरित्र, आज भी वो यही चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने इंद्र कुमार मेघवाल को लेकर भी माफी नहीं मांगी है। एक बच्चा मर जाता है पानी पानी करते हुए, और उसको पानी पीने का अधिकार जाति के आधार पर नहीं है ये बताया जाता है, उस मास्टर को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए था। एक आदमी आता है अजय मिश्रा का बेटा और किसानों को रौंद कर चला जाता है, और उसके खिलाफ 10-12 दिन के बाद भी केसेस दर्ज नहीं होती है, जो कि दिया जाता है उसको बहुत अच्छे से सम्मान से जेल में भेजा जाता है बाद में। तो ये जो सारी है ये कहानियां नहीं है, हकीकतें हैं, हमारे सामने हो रही है। हम आंखों पर पट्टी बांध कर मन की बात, बहुत चंगी बातें, बहुत स्वच्छता वाली बातें, ये उन्होंने स्वच्छता हमारी हमको साफ सुथरा करने को तय किया है, 82% जनता को मारने का तय किया है, और फिर ये साफ सुथरा बनाना चाहते हैं इस देश को। समझ लीजिए इस सारे एजेंडे को, समझ लीजिए इस सारे षड्यंत्र को। बिल्किस बानो हम तुम्हारे साथ है, इंद्र कुमार मेघवाल के जो सारे परिवार के लोग हैं उनके साथ हम है, और प्रतिभा सिंह जी हम आपका निषेध करते हैं क्योंकि आप मनुस्मृति जिंदा करना चाहते हैं। किसी भी न्यायालय में संविधान को महत्व देना चाहिए, किसी भी न्यायालय ने संविधान के तहत इन लोगों को माफी नहीं देनी चाहिए थी। आज न्यायालय मनुस्मृति के जरिए चल रहा है, आज न्यायालय अगर संविधान के तहत नहीं चल रहा है तो हम सब लोग संविधान लेकर रास्ते पर निकल चुके, जैसे शाहीन बाग की महिलाएं निकल चुकी थी, हम सब लोग संविधान लेकर निकलेंगे, और जय संविधान कहते हुए और सबरंगी सलाम कहते हुए हम लोग फिर से कहेंगे बिल्किस बानो को न्याय मिले, इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय मिले। आज मैं कहती हूँ कि न्याय तभी मिलेगा जब हम इन पूरी सत्ताओं में बदलाव करने की बात करेंगे। हम बदलना चाहते हैं पूरी समाज को, अब ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हम अब फैज की जो गजल है उसको हम अब और जोर से कहेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये तख्त गिराए जाएंगे, ये ताज उछाले जाएंगे। ये सारे जुल्मों सितम के कोहे गिरा रोई रुई के तरह उड़ जाएंगे, एक कपास के तरह ये उड़ जाएंगे। इस तरीके की ताकत हम रखते हैं, हमारे कवियों ने हमें ये ताकत दी है, हमारे जो विचारक है उन्होंने हमें ये ताकत दी है, हमारे महामानवों ने हमें ये ताकत दी है। उन सबको फिर से एक बार जिंदाबाद कहते हुए मैं यहाँ रुकती हूँ, आप लोगों को सबको सबरंगी सलाम कहती हूँ, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है तिस्ता से तलवार से लेकर आनंद तेलतुंबड़े से लेकर भीमा कोरेगांव के जो साथी है और इतने साथी उमर खलीद से लेकर सब लोग जो आज जेल में हैं, उन सभी लोगों को जो पूरे निरपराध है उन लोगों को तुरंत छोड़ा जाए। कोई कॉमिक करता है, विनोद जोक करता है तो उस बच्चे को मुस्लिम है इसलिए उसने जोक किया उसलिए पकड़ लिया जाता है, ये जो सारा चल रहा है वो सारा बंद किया जाए। ये जो जोक चल रहा है साधु बनकर राम रहीम बाबा हो या फिर कोई दूसरा बाबा हो या बापू हो, ये सब कुछ जिस तरीके से बलात्कारी पैदा हो रहे हैं और उनको संस्कारी कहा जाता है, ये सारा नाटक बंद कीजिए। इस देश की नारी जो है वो अभी सहन नहीं करेंगी इस तरीके के संस्कारी बलात्कारियों को। हम उनको बता के रहेंगे कि आप कितने विकारी विकृत और अमानुष है, हम आपके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हम आए हैं, हमारी हमारा एक बहुत बड़ा नारा है, हम फूल नहीं चिंगारी है। अब ये चिंगारी भड़केगी, हमारे मन में जो आग है वो आग दहकेगी, और इसमें इस तरीके के फांसीवाद, इस तरीके की विकृतियां, इस तरीके के बलात्कारी समझ और इस तरीके की पितृसत्ता समझ और नारियों के ऊपर और जो वंचित बहुजन तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, उसको उसके ऊपर दमन करने वाले ये सारे दमनकारियों को हम ललकारते हैं। इस ललकार देते हुए हम कहते हैं कि
जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय शाह उलगुलान उल जौहर, जय संविधान और सबरंगी सलाम।